हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हैं आप? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में डिस्क्लोज करेंगे. मैं कैसे लग रही हूँ आप लोग बता सकते हैं? ये हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? कहाँ जा रहे हैं? बाहर. तो भाई, हमने किया फिर जल्दी से नाश्ता, क्योंकि आज हमें होने वाले हैं भगवान श्री राम जी के दर्शन. तो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ, और बहुत ही यमी यमी फूड था यहाँ पर, बहुत सारे ऑप्शंस थे. और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पर ना चाय का काउंटर लाइव चल रहा था. भाई, अदरक वाली चाय पियो, वो भी एकदम लाइव काउंटर पर, अलग ही मज़ा. फाइनली हमने कर लिया है चेकआउट, और चेहरे पर एक्साइटमेंट देख रहे हो. हम ना बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब हम राम की नगरी अयोध्या में पहुँचे, और फाइनली हम बहुत ही करीब पहुँचने वाले थे. लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ लखनऊ में, ये है अंबेडकर पार्क, जो कि बहुत ही सुंदर है. जाने का मौका तो नहीं मिला, मैंने सोचा आपको बाहर से दिखा देती हूँ. आप तो जानते हैं कि बहुत ही अच्छा है भाई लखनऊ भी. और उसके बाद में टोल क्रॉस किया, देन अब हम एंटर करने वाले. जय जय श्री राम. तुम भी बोलो जय श्री राम. दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राम की नगरी अयोध्या, और आज करेंगे श्री रामलला जी के दर्शन. सो स्टे ट्यून्ड. तो फाइनली राम की नगरी में किया हमने प्रवेश, और ये देखो अयोध्या धाम, आप देख रहे हैं उसका साइन बोर्ड, और हमने किया एंट्री. देख रहे हो आप, इतना अच्छा मौसम था ना उस दिन, मज़ा ही आ गया. मैं सच्ची बता रही हूँ, आप लोगों को अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना, और प्री बुकिंग कर लेना ताकि थोड़ा सा आपको इजी हो. वैसे अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है अगर आप अभी जाने वाले हो तो. ये है प्रवेश द्वार, जो कि मैंने साइड से इसको जल्दी से कैप्चर कर लिया. और देख रहे हो आप, जैसे ही एंटर करते हो ना, तो आपको राम धुन सुनाई देती है चारों तरफ, और ना आप एकदम राममय माहौल में आप एकदम खो जाएंगे. तो आप जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, देख रहे हो, मतलब हर तरफ आपको भगवान श्री राम से जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आएंगी. मेरा तो दिल ही खुश हो गया था भाई, मैं सच्ची बता रही हूँ. बस मैं सोच रही थी कि जल्दी से अब भगवान श्री राम जी के दर्शन हो जाए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इतने सालों का इंतज़ार है. और यहाँ पर देख रहे हो साइन बोर्ड, एवरीथिंग आपको मतलब ऐसा महसूस करेगी जैसे आप अभी उसी त्रेता युग में मौजूद हैं. भगवान श्री राम की तस्वीरें आपको चारों तरफ नज़र आएंगी. और हम लोग जस्ट पहुँचने वाले थे, हम बस देखो इंतज़ार कर रहे हैं. अब यहाँ पर लाइट्स देखो, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ आप उठा कर देखो, आपको बहुत ही सुंदर लगेगा. क्योंकि देखिए अंदर तो फोन ले जाना अलाउ है नहीं, हमने कर लिया है. और वहाँ से हमें मिला ये प्रसाद, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए आप अपना ख्याल रखना पूरा अच्छे तरीके से अगर जा रहे हो तो. और भाई, क्योंकि अंदर तो फ़ोन अलाउ था नहीं, तो अंदर से तो वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे दर्शन हुए. तो दिल खुश हो गया, मुझे लगता है कि जीवन सफल हो गया, जैसे मुझे तो ऐसा फीलिंग हो रहा था. और यहाँ पर ना बहुत सारे आप लोगों की सहूलियत के लिए ई रिक्शा चल जाते हैं, जो कि आपको मदद करते हैं, बसेस भी चलती हैं, तो बहुत ही स्मूद है अगर कन्वेंस की बात करते हैं. फाइनली अब घर वापसी का वक्त हो गया था. आप लाइक फॉलो कर देना, और जय श्री राम ज़रूर लिख देना. बाय बाय गाइस, जय श्री राम.